हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सेमेंटिक एलिमेंट्स के बारे में। अब मैं फटाफट अपनी बॉयलर टेम्पलेट लगा देता हूँ, देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेमेंटिक एलिमेंट्स। यहाँ पे एक हेडिंग लिख देता हूँ, सेम चीज़ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, सेमेंटिक एलिमेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं सेमेंटिक एलिमेंट्स के बारे में। तो पहली बात तो सेमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो सेमेंटिक एलिमेंट्स होते हैं जैसे हमारे डिव, स्पैन है, ये सब नॉन सेमेंटिक एलिमेंट्स हैं। एंड जो हमारे फॉर्म, टेबल, आर्टिकल, नैव, हेडर, फुटर, ये सब हमारे सेमेंटिक एलिमेंट्स हैं। सेमेंटिक एलिमेंट्स क्या करते हैं, सेमेंटिक एलिमेंट्स आपको और आपके ब्राउज़र को बताते हैं कि उस स्पेसिफिक टैग का पर्पज़ क्या है। मतलब वो जैसे आपको, वो आपकी ऐसे हेल्प करते हैं। देखो मैं आपको एक इमेज से समझा देता हूँ, इजी रहेगा। सेमेंटिक एलिमेंट्स देखो, जैसे ये इमेज है, अब इसमें आप देख सकते हो कि ये हेडर है। अगर मैं इसकी जगह लिखता सिर्फ डिव लिखता, तो आपको या किसी और डेवलपर को आप कोड भेजते हो, या फिर आप गूगल को, क्रोम को, जो सर्च इंजन होते हैं उनको मुश्किल होती है आइडेंटिफाई करने में ये क्या है। अभी हेडर है, इससे आपको ही पता चल रहा है कि इसमें हेडर है, और आपके ब्राउज़र सर्च इंजन को भी पता चल रहा है। एंड सेम नैव के साथ, फुटर के साथ, हेडर से पता चल रहा है कि हाँ ये सबसे ऊपर होगा ये एलिमेंट, फुटर से पता चल रहा है ये नीचे होगा, सेक्शन से पता चल रहा है कि यहाँ पे आपका एक सेक्शन है, यहाँ पे आप कुछ लिखा है आपने, असाइड से वो कुछ पता चल रहा है वगैरह वगैरह। तो ये होते हैं हमारे सेमेंटिक एलिमेंट्स। अब सेमेंटिक एलिमेंट्स बहुत सारे तरीके के होते हैं, हम उनके और बात करेंगे अभी। लेकिन आप सोच रहे हो कि इनमें कुछ अलग है क्या सेमेंटिक एलिमेंट्स में, बता दूँ कुछ अलग नहीं है। अगर आप डिव लिखोगे तो भी सही चलेगा, लेकिन डिव से क्या है, ब्राउज़र को समझने में और आपको भी समझने में थोड़ी मुश्किल रहेगी। तो अगर आप सेमेंटिक एलिमेंट्स यूज़ करते हो तो वो बेटर रहेगा। देखो जब पहले वेबसाइट्स बनती थी, या कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे डिव लिखते हैं फिर उसमें आईडी में लिख देते हैं हेडर। इसकी जगह आप डायरेक्टली यहाँ पे हेडर लिख सकते हो, और फिर यहाँ पे अपना हेडर लिख, हेडर बना लो, जो भी है उसमें बना लो। बात एक ही है, लेकिन इससे ब्राउज़र को और आपको हेल्प मिलेगी थोड़ी सी। ऐसे ही हमारा फुटर होता है, देन आर्टिकल होता है। अब आर्टिकल क्या बताता है कि भाई यहाँ पे एक हमारा कंटेंट है, अलग कंटेंट है, इसको आप अलग से दिखाओ। फिर सेक्शन, सेक्शन क्या होता है, सेक्शन बताता है कि ये हमारे पूरे पेज के अंदर एक सेक्शन है। जैसे ये एक पूरा एक सेक्शन है हमारे पेज में, इमेजेस एक सेक्शन है इस पेज, गूगल के इस पेज में ऑल एक सेक्शन है। ऐसे ये सेक्शंस हैं अलग अलग, तो ये पता चलता है उसको। देन उसके बाद हमारा होता है एक असाइड। असाइड से पता चलता है कि ये कंटेंट जो है ये पेज से थोड़ा अलग है। मतलब से मान लो इमेजेस में कुछ भी हो, जैसे आप ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा कंटेंट असाइड में डालना है, उसमें डालना है। देन एक होता है डिटेल्स। अब डिटेल्स में थोड़ा सा अलग है। देखो डिटेल्स में अगर आप लिखते हो, इसमें कुछ भी लिखूँ तो देखो यहाँ पे एक डिटेल्स आ गया। एंड देन अगर मैं उस पर क्लिक करूँगा तो ड्रॉप डाउन पर वो आ जाएगा जो हमारा, जो भी हमने लिखा था यहाँ पे। जैसे हमने अभी लॉरम लिखा है तो वो पूरा लिखा हुआ आ गया। अब आप सोच रहे हो कि मेरे को ये डिटेल्स चेंज करना है, तो इस डिटेल्स को चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना होगा समरी। देखो समरी, समरी में आप लिख सकते हो अपना। देखो वो हमारा उसका आ गया डिटेल्स की जगह, एंड उसको ड्रॉप डाउन में ये आ गया। तो ये ऐसे डिटेल्स हैं। ऐसे ही होता है फिगर, फिगर करके होता है, जैसा कि आपको उस नाम से देख के समझ आ रहा होगा। फिगर बस बताता है कि यहाँ पे हमारी एक इमेज है, और फिगर है हमारा यहाँ पे एक, देखो फिगर। एंड सबसे अच्छी बात, विजुअल स्टूडियो कोड आपको ये सारे बस हल्का सा आप थोड़ा सा लिखोगे एंड वो आपको सजेशन में ही दे देगा। तो फिगर बस बताता है कि हाँ इसके हमारी एक इमेज है। वैसे ही फिगर कैप्शन भी होता है। देखो फिगर कैप्शन, जैसे आपकी इमेज है कोई, जैसे ये मेरी इमेज है और ये मेरा फिगर कैप्शन है,
ये, और ये पूरा एक फिगर है, ये उसमें इमेज है और ये उसमें फिगर कैप्शन है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, आपकी वेबसाइट में या किसी और की सब कुछ अलग हो सकता है, हो सकता है गूगल की कोडिंग में ये कुछ और हो, मैं बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देन हमारा होता है मेन मार्क, एक और होता है थोड़ा ज़्यादा काम आता है, होता है नैव। नैव क्या होता है? नेविगेशन बार। भैया आपको ये उस ब्राउज़र को बताया था कि भाई यहाँ से हमारा नेविगेशन बार है, इससे आप आसानी से हमारी वेबसाइट में नेविगेट कर पाओगे। मतलब वो बटन्स होते हैं ना कि होम पेज, ये पेज, वो सब चीज़ें, जैसे मैं ये वेबसाइट खोलूँ, जैसे ये नेविगेशन बार्स हैं क्या अलग अलग लैंग्वेज का, ये नेविगेशन बार्स ये होते हैं, तो इस नैव से हम ये बता सकते हैं। इसके अंदर हम फिर हमारे सारे AHREF सब लिख सकते हैं कि होम पेज, ऐसे ऐसे करके होम, कॉन्टैक्ट अस अबाउट, ऐसे करके हम इसमें कर सकते हैं नैव में। एंड देन हमारा होता है एक टाइम, एक सेकेंड, टाइम। टाइम क्या करता है? बस बता देता है कि हाँ इसके अंदर हम टाइम या डेट लिखने वाले हैं। जैसे मैं ऐसे लिखता हूँ तो बस सिर्फ ब्राउज़र को बता देगा कि यहाँ पे हमने टाइम लिखा है, इससे कुछ इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप यही चीज़ एक डिव में लिखते हो तो भी सेम चीज़ होगी, देखो सेम चीज़ हुई, बस ब्राउज़र को समझने में आसानी होगी और आप भी अगर कभी बाद में देखते हो तो आपको भी समझने में आसानी होगी कि अच्छा आपने टाइम लिखा है। वरना आप सोचो अगर पूरी वेबसाइट में सिर्फ डिव 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 भरे हुए हैं तो फिर आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे? आईडी देना, आईडी देने का भी ऑप्शन है लेकिन उससे ब्राउज़र को इतनी हेल्प नहीं होती, अगर आप ऐसे दे देते हो तो बेटर रहता है। तो ये थे हमारे सिमेंटिक टैग्स के बारे में। अब हम मोस्टली HTML के बेसिक्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, अब हम नेक्स्ट वीडियो से CSS पे जंप करेंगे। आप ये मत सोचो कि अरे हमने तो अभी HTML पूरी अच्छे से सीखी ही नहीं, आपको पूरी अच्छे से सीखने की ज़रूरत भी नहीं है। आप पहले HTML JavaScript CSS थोड़ी 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 सीखो जैसा मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, एंड देन उसमें आप अपने आप ही इम्प्रूव हो जाओगे। जैसे आप अगर 50-60% भी सीख लेते हो ना तो बाकी का जो 30-40% है ना वो आप खुद अपनी प्रैक्टिस से सीखोगे। आप वेबसाइट बनाओगे उससे आप खुद सीखोगे, और अगर आप अलग से सीखने गए ना तो आपका सारा टाइम उसी में लग जाएगा एंड आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी नहीं सीख पाओगे आप। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो हम नेक्स्ट वीडियो से अब हम CSS पे नज़र डालेंगे।